have made a big impression on us. Dr. Debashish Mukherjee, I congratulate him for his very good book that has been released today. Or Dr. Puran Chand Pandey ji, who has profound wisdom with him. यहाँ पर मुझे विनय जी ने बुलाया और यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स, मुझे आज ITS कॉलेज में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आप सबके साथ इस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ बातें करने का जो मौका दिया उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का आभारी हूँ और आप सबका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। देखिए, जो थीम है आज के कॉन्फ्रेंस की, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, तो भारतवर्ष की भी बात हुई उसमें हम लोगों का मतलब मैं अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी व्हाट वी वांट इन लाइफ इट इज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज द वे टू गेट इट, है ना। और हैप्पीनेस के क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिनकी बातों को हम अल्टीमेटली हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में भी ये बात होती है कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस एंड व्हाट यू टू अचीव। ये मुझे लगता है ये तीनों का बहुत अच्छा लिंक इस चीज के कॉन्फ्रेंस के साथ बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है कि गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू एक्सेल देमसेल्व्स। इफ अ कंट्री प्रोवाइड्स, इफ एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू एनहेंस देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी और सेव द प्लैनेट, जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो सबको हम रखते हैं, तो वी विल अचीव प्रॉस्पेरिटी। ये जो तीनों का लिंकेज है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम जितनी जल्दी समझेंगे तो वह उतना ही अच्छा होगा। और साथियों, मुझे लगता है कि अभी हमने सरस्वती माँ देवी की पूजा की थी और कंटिन्यूसली मैं एक बात उसके सामने कहता हूँ कि एक बार एक स्वामी जी के पास मैं गया था मेरे पिताजी के साथ, तो उन्होंने बताया कि ये जो सरस्वती माँ सरस्वती के हाथ में किताब है ये क्या सिग्निफाई करती है। तो उन्होंने जनरली सब लोगों ने कहा कि भाई किताब, शी इज अ गॉडेस ऑफ लर्निंग, उसके हाथ में पुस्तक है, बुक रिप्रेजेंट नॉलेज, ये इसलिए है। उन्होंने कहा नहीं, इट डज नॉट इवन ओनली सिग्निफाई दैट, द बुक इन द हैंड ऑफ सरस्वती सिग्निफाइज दैट द गॉडेस ऑफ लर्निंग इज स्टिल लर्निंग। यानी ये जो नॉलेज गेन करने की प्रक्रिया सब अपने आप में कंटिन्यूस लाइफ में बहुत जरूरी है, चलती रहती है। और जब गॉडेस ऑफ लर्निंग इज स्टिल लर्निंग, तो वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये कॉन्फ्रेंसेस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैं आपका बहुत आभारी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रॉस्पेरिटी के लिए जाते हैं तो कैसे होता है, हाउ डू यू लिव द लाइफ। आप इंडिविजुअल सबके गोल्स हैं, मेरा जीवन में लक्ष्य है कि मैं खुश रहूं, मेरे परिवार के लोग खुश रहें, मेरे आसपास के लोग खुश रहें, यू हैव सम गोल्स इन योर लाइफ। अब उसके साथ एक समाज के साथ भी आप इंटरेक्ट करते हैं। अभी प्रोफेसर पांडे ने कहा कि हाउ डू यू इंटरेक्ट विथ योर एनवायरमेंट, हाउ डू यू इंटरेक्ट विथ योर पीपल सोसाइटी। तो योर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव व्हेन यू अलाइन इट विद द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, तो आप अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करते हैं और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट करके मोर यू कैन कंट्रीब्यूट मोर। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, आप एक देश में रह रहे हैं, यू बिलोंग टू ए कंट्री, तो आप देश के ऑब्जेक्टिव और देश के लक्ष्य के साथ अपने इंडिविजुअल और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को अलाइन करते हैं तो आपको बेटर यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव। तो अल्टीमेटली जिस एज ग्रुप में आप सब हैं, जिस तरह से आप सब लोग अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यू नो वेयर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंट्री, व्हिच आर द एरियाज वेयर द कंट्री इज गोइंग, वेयर द वर्ल्ड इनिशिएटिव्स आर टेकिंग प्लेस। उस ऑब्जेक्टिव्स को समझ के, उन ऑब्जेक्टिव्स को अपने ऑब्जेक्टिव और कैरियर से ओरिएंट करके उसके ऊपर आप अपनी कैपेसिटीज को बिल्ड करेंगे तो आप अपने आप के लिए बहुत अच्छी तरह से अच्छे कैरियर को ओरिएंट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं सरकार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सरकार की वेरियस पॉलिसी मैटर्स में इंटरवेंशन के थ्रू पार्टी की तरफ से काम करता हूँ, मेरे ध्यान में इस टॉपिक में कुछ इनिशिएटिव्स आए हैं
मुझे लगता है कि आप लोगों के ध्यान में भी जो आए होंगे इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, ये जो इस तरह की जो चीजें में ग्लोबल कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली क्या होता है, एक और मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि, और आप भी जानते होंगे ऑफिशियल्स में बहुत ये बात आती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग फॉर डिटेल्स इन सम फॉर समबडी हु अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उसका कि जो कुछ नहीं समझता उसके लिए भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ब्रीफली कुछ पॉइंट्स इनिशिएटिव्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो सामने जाते। एक अभी सुप्रीम कोर्ट में भारत में एक डिसीजन आया था एक कोर्ट का, उसमें उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर पार्ट ऑफ द, दे हैव एक्सपेंडेड द the definition of Article 14 and Article 21, right to life. So environmental concerns of individual and the society have to be incorporated into the as a fundamental right of the people. So धीरे धीरे जो right to life का expansion हो रहा है Article 21 और equality of opportunity, equal opportunities to all. सुप्रीम कोर्ट भारत के कोर्ट भी इस बात को एक्सपेंड करते हुए जा रहे हैं, तो यह कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। दूसरा एक और अभी क्लास केस फाइल हुआ था स्विस कोर्ट में, जहां पे एक विमेन ग्रुप ने या ह्यूमन राइट्स के लिए कि क्लाइमेट चेंजेस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न हैव टू बी इंकॉर्पोरेटेड एज ए ह्यूमन राइट्स, उसमें भी जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसने अपना वर्डिक्ट दिया है कि क्लाइमेट चेंज एंड कंसर्न्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर हैप्पी लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसको अगर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये डेफिनेशन दिया तो इट बिकम्स एन गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फॉर एवरीबडी इन द होल यूरोपियन नेशन। तो धीरे धीरे कोर्ट केसेस और ये सब एनवायरमेंटल कंसर्न्स को गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आगे जा रहे हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ ईएसजी के बारे में, आपके सर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ, ईएसजी के बारे में आपने सुना होगा, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस कंप्लायंसेस है ना, ईएसजी कंप्लायंसेस ग्लोबल लेवल पे चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देख लें, G20 के डिबेट्स में देख लें, ESG मल्टीलेटरल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स पे देखें, प्रॉस्पेरिटी आती है बिजनेस एंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे कंट्री के लिए, और उसी के साथ हम भी प्रॉस्पर करते हैं, हम भी आप सब अपने कैरियर में आने वाले समय में किसी कंपनी को हेड करेंगे, किसी के कंप्लायंस ऑफिसर होंगे, किसी के अकाउंट्स ऑफिसर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिफरेंट एरियाज में साइंटिस्ट होंगे, ये सब होंगे। तो ग्लोबली धीरे धीरे ESG कंप्लायंस are becoming very important for the companies. Multilateral trade platforms में ESG compliance को एक तरीके से trade barriers के रूप में मान रहे हैं। अब इसके साथ चैलेंज क्या आता है, हम भी corporate world में लोगों से बात करते हैं कि ESG compliances को आप कैसे balance sheets में incorporate करेंगे, कैसे environmental concerns को आप balance sheet में डालेंगे, अगर आपने उन balance sheets को अपनी products में और इसमें ESG compliance को establish नहीं किया तो आप ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स के कारण ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कंपनीज की प्रॉस्पेरिटी वगैरह बहुत सारी ESG कंप्लायंस के ऊपर डिपेंड करती है। ग्लोबली देयर आर सेवरल फंड्स जो फंड फ्लो के हिसाब से कैपिटल वगैरह के लिए इंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं कि यू हैव टू बी ESG कंप्लायंस। तो आप लोगों को थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहता हूं कि इसमें बहुत सारे हैं, देखिए कंपनी में क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, अगर आप एनवायरमेंटल कंसर्न्स को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस में ऐसे मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते कि आप कैसे उसको इंटरनलाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में, आज के समय में आप पेड़ काट देते हैं और वहां पे एक सड़क बना देते हैं, सड़क आपने उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में सोसाइटी की कॉस्ट को क्या पेड़ के जो उसके इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में उसको इंकॉर्पोरेट नहीं किया तो यू विल गेट अ रॉन्ग इवैल्यूएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट।
तो वो इंटरनलाइजिंग यू हैव टू फाइंड आउट मैकेनिज्म एलआई वाज दोस के लिए अपना तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करता हूँ इमेंस कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड इन दीज कंप्लायंस मैटर्स न्यू सब्जेक्ट्स आर कमिंग न्यू मैकेनिज्म्स हैव टू बी डेवलप्ड न्यू एरियाज हैव टू बी डेवलप्ड तो ईएसजी कंप्लायंस द थर्ड पॉइंट दैट आई वांट इसमें भी कैरियर ओरिएंटेशन बहुत अच्छा हो सकता है Fourth thing I'm saying, SEBI also is taking so many initiatives. I am on the board of at present Bharat Petroleum. अभी पीछे हमारे board में एक SEBI की guideline आई थी कि you have to set up a separate committee on BRSR, business responsibility and sustainability report आपको बनानी। 10-11 उसमें aspects हैं। आपका business अब petroleum में petroleum is a fossil fuel हम use करते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट के रूप में उसमें आती है धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना इस तरफ की बात है बट आपको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को एवरी ईयर 1000 कॉर्पोरेट कंपनीज को लार्ज कंपनीज को इंडिया में कंपलसरी है एक शुरू में उन्होंने 2021 में ये वॉलेंट्री रिपोर्ट देने के लिए कहा अब उन्होंने कंपलसरी कह दिया कि बोर्ड हैज टू फॉर्म अ separate committee on this and give a report on this aur uske 10 aspects hai unpe kaise kaam karna hai capacity build karna hai to yeah mujhe bahut mahatvapurn baat lagti thi yeah ek aur area jo aane wale cheezon mein is area mein develop ho raha hai career orientation hum kar sakte hain mujhe lagta hai in cheezon mein is conference mein bahut sari developer discussion bhi hogi aur abhi ek ye iski importance to world mein badhti ja rahi hai कैरियर के हिसाब से भी कंसर्न्स के हिसाब से भी चैलेंजेस के भी हिसाब से एनवायरमेंटल कंसर्न्स को जो पीपल प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी को जो लिंक करने की बात है उसमें हम सब लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर फ्यूचर जनरेशन तो ये एनवायरमेंट के कंसर्न्स को हमने साथ में रखना चाहिए कोर्ट के वर्डिक्स इसमें आ रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे इसमें इनिशिएटिव्स आ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स पे इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस के रूप में कई चीजें आ रहे हैं कंप्लायंस के रूप में मोर एंड मोर रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं फंडिंग के लेवल पे काफी सारे इंसेंटिव्स इसके रूप में आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड सबवर्शंस भी होते हैं तो इन चीजों को अगर हम अपने साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे और मैंने जो पहली बात कही थी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करते हुए देश के और अपने साथ अलाइन करते तो हम अपने आप को भी इफेक्टिवली अपने प्रॉस्पेरिटी के देश की प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ सकते हैं एक दो बात और छोटी सी मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज पे काफी काम कर रहा हूँ पी एम ऑल्सो रिटर्न अ बुक लेकिन कई बार क्या होता है कि देयर इज अ बिग डिबेट ऑन नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल और हु इज द ओनर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अल्टीमेटली जमीन है पेड़ है पानी है कई चीजें हैं कई तो लोग कहते हैं एयर वगैरह तक की भी बात करते हैं धीरे धीरे पानी के लेवल पे बहुत सारी ये डिबेट हो रही है कि हु ओन्स दिस वाटर ग्राउंड वाटर के क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का ओनरशिप कौन है और हमारी संस्कृति में बहुत स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो जिस जो विच आर द असेंशियल एलिमेंट फॉर द लाइफ ह्यूमन नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट एनिमल प्लांट एंड एवरीबॉडीज लाइफ who cannot live without those resources aap pani ke bagair nahi roh sakte reh sakte hawa ke bagair nahi reh sakte to inki ownership cannot be in the hand of any individual or even in the hand of the government they are the common resources iske upar bhi economics mein bahut sari cheezein debate ho rahi hai to ownership of natural resources a big debate is taking place aur usme ye concept bhi bahut zyada main aapke samne जरूर लेके जाना चाहता हूँ कई बार एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर यह बात आने लगती है कि प्राइसिंग इज अ मैकेनिज्म फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इसके ऊपर हमने काफी ग्राउंड लेवल पे रिसर्च किया है जो बुक है उसमें तो यह बातें लिखी है डिटेल में सर्वे रिसर्च रिपोर्ट सब लिखी है
कि खासकर पानी के ऊपर कि जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि प्राइसिंग विल लीड टू अ कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये गलत है। क्यों? कि ये जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर प्राइसिंग इज नॉट द वे टू कंजर्व दैम। वो डिटेल में रिपोर्ट रिसर्च अलग बात है, वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट उसके अंतर्गत यह अवेयरनेस इज द बेटर मैकेनिज्म ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो यह बात भी हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। इन चीजों पे भी आप आज के डेट में इंटरनेट वगैरह में बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप सब इस चीजों को देख सकते हैं। बट ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू कंजर्व दोस नेचुरल रिसोर्सेज इन अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ बेटर मैकेनिज्म और प्योरली प्राइसिंग मैकेनिज्म इस मेथड ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी भी बनाती है, इनके बारे में भी हम लोग बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को काम करेंगे। आप अपने कैरियर्स को इन चीज़ों के साथ आने वाले एरियाज में अलाइन करते हैं तो आपका कैरियर भी बहुत अच्छा लगेगा और यह कॉन्फ्रेंस इस बात को बहुत अच्छी तरह से अचीव करेगी। दो दिन आपके लिए जो लोग भी यहाँ पे पेपर देंगे उन लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं, बधाई दी, और इतना अच्छा जो जर्नल, इतना रिसर्च जर्नल यहाँ पे निकाला है, इस सब की चीजों से अल्टीमेटली भारत दो एरियाज में बहुत तेजी से आर्थिक रूप से प्रगति की तरफ जा रहा है। वह है, एक है नॉलेज इकोनॉमी। द नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज मनी, नॉलेज गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू लीड द वर्ल्ड। तो नॉलेज इकोनॉमी में ट्रिमेंडस इनिशिएटिव्स सरकार ले रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ईएसजी कंप्लायंस, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा, हमारी सरकार का बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन चीजों को आप इंटरनेट के माध्यम से जानते हुए अपने करियर को अवश्य इनिशिएट करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का तो जो G20 में क्लियर कट जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, थीम दिया था, वो अपने आप में ग्लोबल लेवल पे उसने रिजोनेंस प्राप्त की। उसमें उन्होंने कहा वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, दैट वाज द थीम ऑफ G20, और उसको चरितार्थ भी किया। भारत की संस्कृति में जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि प्रकृति का हमें शोषण नहीं दोहन करना है, तो इतने सारे कंसेप्ट हमारे देश में प्रकृति के साथ मिलते हुए अपने इंडिविजुअल हैप्पीनेस और अल्टीमेटली हमारे इंडिविजुअल गोल को भी हैप्पीनेस से किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें तीन चीजें तो इंडिविजुअल हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो इन चीजों को अलाइन करते हुए हमारी संस्कृति, हमारे देश में, हमारे ज्ञान के प्रक्रिया में, परंपरा में इतनी सारी चीजें हैं कि आने वाला समय जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक हम ग्लोबल लीडरशिप अटेन करेंगे, तो हमारे जो कंटेंट है, हमारी जो नॉलेज बेस है, हमारा जो हजारों साल की संस्कृति ने जो हम लोगों को दिया है, उसको हम अगर प्रिजर्व करके ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय भारत ग्लोबल लीडरशिप की तरफ अटेन करने के लिए बढ़ना चाहता है, तो उसमें हम सब लोग अवश्य सफल होंगे। तो मैं इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ।